हेलो, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट है अबाउट मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटीज़। ओके, तो वेलोसिटीज़ के बारे में बताया था मैक्सवेल ने कि अगर एक कंटेनर में किसी कंटेनर में कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। करेक्ट, एक दूसरे से टकराएंगे। जैसे ये इधर जाएगा इससे टकराएगा, ये इधर जाएगा इससे टकराएगा, वो एक दूसरे से टकरा के पूरे उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो कवर कर लेंगे। वी नो दैट। ठीक है, अब जब भी कोलिजन होता है तो वेलोसिटीज चेंज होती हैं। वेलोसिटी मतलब वो जो कितनी भी स्पीड से चल रहा है, वो किसी भी तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो चेंज होगा। ठीक है, तो शायद ये दोनों फास्ट चल रहे होंगे मॉलिक्यूल्स, टकराएंगे, टकरा के स्पीड कम हो सकती है या बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कोलिजन के टाइम पे, एवरी मॉलिक्यूल हैज़ अ डिफरेंट वेलोसिटी ड्यू टू कोलिजन। ओके, तो इस सब को कन्फिगर करने के लिए हमने लगाया प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन। प्रोबेबिलिटी क्या मतलब, कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा टकराएगी, किस तरीके से प्रोबेबिलिटी होगी, उसका कंसिडर लगाया, कंसिडरेशन किया किसने, मैक्सवेल ने। ठीक है, और मैक्सवेल ने ये इक्वेशन दी। इस इक्वेशन से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी के बारे में बताया। ठीक है, ये इक्वेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें समझने जैसा सिर्फ इतना है कि उन्होंने ये बताया कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल उसकी पर्टिकुलर रेंज, उनकी इतनी रेंज ऑफ वेलोसिटी थी। मतलब ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो बहुत स्लो चल रहे होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे होंगे, कुछ एक प्रॉपर रेंज ऑफ वेलोसिटी होगी कुछ मॉलिक्यूल्स की। जैसे इसमें ग्राफ में भी दिख रहा है, जो कि हम बाद में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एक ग्राफ पे क्या दिख रहा है कि ये वेलोसिटीज़ हैं और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी इतनी वेलोसिटी है। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वेलोसिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है हमको, तो वो होगी एक कांस्टेंट नंबर ऑफ वेलोसिटी के, इतने रेंज ऑफ वेलोसिटी के इतने मॉलिक्यूल्स उस रेंज की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। कुछ बहुत धीरे मूव कर रहे हैं, कुछ बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, पर कुछ ऐसा ग्रुप बना दिया गया जिस ग्रुप में वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे। ओके, दिस इक्वेशन टेल अस अबाउट द मॉलिक्यूल्स हैविंग पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेलोसिटी। जो हमने बोला वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल चेंज विद टाइम, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो सकती है, बट अगर हम उस चीज़ को साथ में देखें कि सारे मॉलिक्यूल्स की पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज जो है, जितने मॉलिक्यूल्स उनकी पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज जो है वो क्या होगी, सेम होगी। ये मैक्सवेल का लॉ था। ओके, अब वो जो इक्वेशन थी उसमें एक्सपोनेंशियल फैक्टर था इज इक्वल टू माइनस एम सी स्क्वायर अपन टू आर टी। ओके, तो इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर में क्या हो रहा है, इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ये माइनस है इसकी वजह से एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बढ़ेगा, तो ये क्या था, बोल्ट्जमैन फैक्टर कहा गया। ओके, अब मॉलिक्यूलर वेलोसिटी मेन जो हम पढ़ते हैं वो तीन तरह की होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बारे में हमने बात करी, यही बात वापस से कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी बहुत कम वेलोसिटी थी, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी थी, पर जो पीक आ रही थी, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे जिनकी पीक आ रही थी, वो वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी थी। ओके, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके आगे के वीडियोस मिस ना करें। एंड विल कंटिन्यू ऑन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में हमने निकाला एवरेज, अलग अलग वेलोसिटीज़ का हमने क्या निकाला, एवरेज निकाला, हर एक वेलोसिटी का एवरेज निकाला। अब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को भी हम कंसिडर करेंगे कि इस मॉलिक्यूल के इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का इतनी वेलोसिटी थी, इस मॉलिक्यूल की इतनी वेलोसिटी थी, तो N1V1, N2N2, N3N3 और फिर यहाँ पे आ जाएगा N1+N2+N3। ओके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में क्या हो रहा है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में हमने ली वेलोसिटीज़, जैसे हमने यहाँ पे ली थी, ओके, V1, V2, V3, V4, इसका क्या किया, रूट निकाला, फिर मीन निकाला और उसके बाद इनका स्क्वायर किया। तो हम उल्टा देखते हैं कि सबसे पहले इनका हमने स्क्वायर कर दिया, फिर इसके बाद इसका क्या कर दिया हमने, इसका हमने मीन निकाल लिया और उसके बाद इसका रूट निकाल लिया। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो कि मैक्सवेल ने बोली थी, बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है। अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल सॉल्व द डाउट फॉर यू। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, N1N1, N2N2, N3N3, यहाँ पे ये वेलोसिटी है और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जिसकी वो वेलोसिटी है, मतलब N1 नंबर के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या थी, N1 थी। इस तरह से इसका सबसे पहले निकाला स्क्वायर, फिर क्या निकाला, रूट, और फिर उसके बाद स्क्वायर, फिर इसका निकाला हमने
क्या निकाला इसका एवरेज या मीन जो बोलते हैं, और फिर उसके बाद निकाला रूट. तो ये हुआ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. थैंक यू.